मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइज। और आज मैं करने वाली हूँ एक न्यूड मेकअप फॉर गर्ल्स के लिए। जी हाँ, कुछ गर्ल्स अभी ऐसी होती है जो टीनेजर्स होते हैं कि उनको मेकअप तो पसंद है लेकिन काफ़ी मेकअप करना पसंद नहीं करती। हमारे घर में ही कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं, मेरी बहन की लड़कियाँ हैं, काफ़ी हैं ऐसी, तो उनको मेकअप करना पसंद है लेकिन बहुत ही न्यूड सा मेकअप पसंद है। तो मैं आज जितना होगा उतना जल्दी उनको करके दिखाऊंगी कि भाई इस तरह के आप मेकअप कीजिए। उन्होंने कहा कि आप कीजिए, ऐसा हमें सिखाइए। तो मैं बिल्कुल न्यूड सा मेकअप है, आपको अच्छा लगेगा। और फेस्टिवल है तो आप दिवाली पे भी कर सकते हैं, और स्पेशली गर्ल्स के लिए है। वैसे वुमन भी कर सकती है जिसको मेकअप बहुत कम पसंद है, आई शेडो वगैरह आईलाइनर पसंद नहीं है, वो लोग भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हो जाएगा और न्यूड है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए और मैंने अभी कोई मेरा स्किन केयर नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं पानी से वॉश करके आया हूँ, उसके बाद मैं अपना टोनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो लगाऊंगी। अभी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दूंगी मैं। उसके बाद दोस्तों मैं अपना डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप डे में मेकअप करेंगे ऑफकोर्स, तो प्लीज़ आप सनस्क्रीन लोशन ना भूलें। कभी भी आप मेकअप करें, शाम को करें तो मॉइस्चराइज करें, और दिन में कर रहे हैं तो SPF ज़रूर लगाएं आप। तो मैं भी जो मेरी बायोटिक की क्रीम है वो भी लगा रही हूँ। पहले अच्छे से स्किन को आप केयर कीजिए अपनी, और उसके बाद ही मेकअप शुरू कीजिए। सो ताकि बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप हो। अब इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से एब्जॉर्ब होने देंगे, उसके बाद हम मेकअप शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने लिप को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए ताकि हम लिपस्टिक लगाएं तो हमारी जो लिप है वो बहुत ही सॉफ्ट रहे। बाद में यूज़ करने वाली हूँ बीबी क्रीम, जो कि हर गर्ल्स को पसंद होती है बीबी क्रीम और ईजी हो जाता है मेकअप करना। और जिनको ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह पसंद नहीं है, हेवी लेयर पसंद नहीं है, तो ये बीबी क्रीम इज़ द बेस्ट। और सिंपली आप हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो उसका ब्रश आता है उससे भी कर सकते हैं। और मेरा शेड है वो है 01। जी हाँ, अच्छे से डॉट कर लीजिए पहले। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए गाइस। आप देख सकते हैं गाइस कितना फ्लॉलेस बेस लग रहा है, और अच्छे से कवर कर लिया है इसने। आप देख सकते हैं मुझे छोटे 2 पिंपल थे, तो अच्छे से कवर कर लिया है इसने। आप चाहे तो अगर कंसीलर वगैरह यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है लाउड मेकअप, तो मैं सिंपल सा कर रही हूँ। और बीबी क्रीम ने सारा काम कर दिया है हमारा। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा जो पाउडर है वो। मैं आज कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, जो मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ, मेरा पॉन्स का टेलकम पाउडर जो आता है सैंडलवुड वाला, इज द बेस्ट गाइस। वो हमारे मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रखता है और वो कवर भी अच्छी खासी दे देता है, तो मैं उससे इसको सेट करने वाली हूँ। रहा मेरा टेलकम पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा है, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, और इसकी मदद से ही मैं इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। ठीक है, इसमें आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि आपने ज्यादा मेकअप किया हुआ है। बहुत रगड़िएगा मत, सिंपल सा डैब डैब कीजिए।
उसके बाद दोस्तों मैं आई पैलेट ले रही हूँ और बहुत ही न्यूट सा कलर करूँगी मैं, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन ही रहा गाइस, लाइट ब्राउन कलर, सॉरी। देख सकते हैं गाइस बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है, कोई ज़्यादा नहीं किया है और शाइनिंग भी नहीं डालने वाली हूँ। किसी किसी को शाइन पसंद नहीं है, शाइनिंग वाले जो आई शेडो आते हैं सिमरी, अब मैं यहाँ पे करूँगी वो थोड़ा सा शाइन वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही न्यूट सा, पता भी नहीं चलेगा इतना। मैं अपने आईब्रो फिल करूंगी, वैसे भी मेरा आईब्रो डार्क है तो ज्यादा इतना नहीं करना है मुझे, तो सिंपल सा ही करूंगी। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे काजल, आईलाइनर में नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कुछ लड़कियों को पसंद नहीं होती। अगर आपको पसंद है तो आप ऑफकोर्स कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ कि आपकी आईज बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको आईलाइनर की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी आंखों पर कर लीजिए काजल, चाहे तो आप डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बाहर निकालना है काजल, जैसे एक बार मैंने कर लिया, अब मैं दोबारा कर रही हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालना है ताकि आईलाइनर वाला लुक आए और आपकी आंखें भी बहुत बड़ी और अच्छी सुंदर दिखेगी। और थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, इसके बाद दोस्तों मैं करने वाली हूँ मस्करा। गर्ल्स आप मस्करा जरूर कीजिए, उससे आपकी आंखें बहुत ही सुंदर लगेगी और आपकी आई लेसेस अफेक्ट नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लगाती हूँ, अब मुझे भी पर्सनली इतना पसंद नहीं है, लेकिन आपकी जो नेचुरल है उसको बहुत अच्छे से कर्ल कर देगा और बहुत ही आपकी आंखें जो है बहुत ही सुंदर लगेगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लशर। गर्ल्स आप ब्लशर ज़रूर लगाएं, आपको लगता है कि ब्लशर अच्छा नहीं लगता है, गर्ल्स ब्लशर से आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा, आपकी चिक्स अच्छी लगेगी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगेगी। ज़्यादा ना लगाएं लेकिन लाइट से ज़रूर लगाएं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा न्यूड सा लग रहा है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लशर ज़्यादा लग रहा है तो आप टैप टैप करके कम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा ब्लशर ज़्यादा पसंद है तो मैं तो रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे फ़ोटोशूट भी करनी है और रील्स भी बनानी है ऑफकोर्स। तो हम करेंगे लिपस्टिक जो कि है बहुत ही न्यूड सा कलर, और वैसे भी मैंने ऑलरेडी पिंक कलर का मैंने मेरा जो लिप ग्लॉस है वो लगाया हुआ है तो वो मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी डार्क चाहिए लिपस्टिक क्योंकि आंखें भी मेरी न्यूड है। अगर आप चाहे तो पिंक ना करके सिर्फ ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा पिंक साइड जो मैंने लगाया है वो मैं रहने दूंगी और आप सिर्फ न्यूड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और लिपस्टिक का कलर पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, ये पिंक एंड न्यूड दोनों मिक्स कलर हो जाएंगे तो वाकई ही बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं कर रही हूँ मेरी लिपस्टिक, आप देख सकते हैं न्यूड कलर एंड पिंक कलर मिक्स होके एक अच्छा सा कलर बन गया है गाइस, सीरियसली बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों अब मैं लगाऊंगी बिंदी, आप चाहे कोई भी लगा सकते हैं, मैं लगाने वाली हूँ ब्लू कलर की क्योंकि मैं ब्लू कुर्ती पहनने वाली हूँ। आप वेस्टर्न भी कपड़े पहन सकते हैं, आप चाहे तो कुर्ती भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं, तो मैंने पहन ली कुर्ती और
के साथ मैं ये ऑक्सीडाइज के ज्वेलरी पहन रही हूँ जो कि झुमकी है, बहुत अच्छी है और मोस्ट फेवरेट है। हर कपड़े के साथ सूट हो जाती है गाइस, बहुत ही अच्छी सुंदर लगती है। और आप चाहे तो छोटे भी पहन सकते हैं, आपको बड़े का पसंद है तो बड़े भी इयररिंग्स पहन सकते हैं और रिंग वगैरह पसंद है तो वो भी पहन सकते हैं आप। बिल्कुल इंडियन फेस्टिवल लग रहा है ना। माय फाइनल लुक, आई होप गर्ल्स आपको मेरा ये सिंपल सा मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। और बहुत ही सिंपल है, न्यूड है और मात्र 10 मिनट में हो जाएगा। और त्योहारों के दिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता, हमें लगता है कि हम जल्दी से रेडी हो जाए, जल्दी से बाहर जाए। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, वरना खुले भी अच्छे लगेंगे, तब तक थोड़ी ठंडियाँ शुरू हो जाएगी। तो सॉरी मैंने नेल पेंट नहीं किया है तो आप इग्नोर कीजिएगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।